राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और रिम्स के नए निदेशक की बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बैठक के बारे में कुछ बता रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। नहीं, लगातार अभी भी हमने नए डायरेक्टर से बहुत लंबी रिम्स की बहुत विषय पर आवश्यक सुधार के लिए क्या क्या करने हैं, क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या शासी निकाय की बैठक में हमने तय किए हैं, वो सभी चीज़ों पर हम लोगों ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है। कैसे करके हम डायलिसिस के और बढ़िया व्यवस्था कायम करें उसके लिए बात हुआ है। कैसे हमने आप जानते हैं कि गरीब जो हमारे मरीज हैं उसके लिए 93 रुपया 87 पैसा का भोजन को 150 रुपया किया है। तो हम लोग लगातार इस प्रक्रिया में हैं कि कैसे सुधार हो और आपको सुधार जो है दिखने लगेगा। अच्छा, एक चीज जो आ रहा है कि क्या किया जाएगा, 8 से 10 घंटे तक आपको कैद में रहना होगा, मास्क में रहना होगा। ये आपको किसने कहा है? मैंने सोशल मीडिया पे आपसे जाना। आप सोशल मीडिया पर तो सस्ती महंगी बिकती है अफवाहें बाजारों में, मानवता का दम घुटता है चांदी की दीवारों में। पहले भी ये अफवाह उड़ाई गई थी कि मास्क नहीं लगाएंगे तो 1,00,000 रुपये जुर्माना हो जाएगा। क्या जुर्माना हुआ है? इसलिए देखिए, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो केवल अफवाह मात्र हैं, लेकिन हम लोगों को मास्क यदि नहीं भी लगा रहे हैं तो 2 गज की दूरी जरूरी है, और 2 गज की दूरी बना के हमको एक दूसरे के साथ जो है हमारा जो है सांसों का मिलन नहीं हो, शरीर का मिलन नहीं हो, ये जरूरी है। थैंक यू सर। तो विभिन्न मुद्दों पर रिम्स के नए निदेशक के साथ स्वास्थ्य मंत्री की बैठक हुई। किस तरह से यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिजनों को बेहतर सुविधा मुहैया कराई जा सके, जो कमियां हैं उसे किस तरह से दूर किया जाए, और रिम्स प्रबंधन में किस तरह से और सुधार लाया जाए ताकि रिम्स में जो सुविधाएं लोगों को मुहैया कराई जाती है वो और बेहतर हो, इन तमाम विषयों पर बातचीत हुई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्पष्ट किया कि हजारों का फाइन, मास्क न लगाने पर जो बातें हैं वो सिर्फ अफवाह।